गरुण भगवान के बारे में सभी जानते होंगे। ये भगवान विष्णु के वाहन हैं। विशाल पंखों वाले गरुण भगवान विनायक वैंतेय नागांतक विष्णुरथ खगेश्वर आदि अनेक नामों से जाने जाते हैं। विशालकाय पक्षी गरुण इतने शक्तिशाली हैं कि वो अपनी चोंच में हाथी को भी उठाकर उड़ सकते हैं। कहा जाता है कि गरुण देव इतने शक्तिशाली हैं कि एक जगह से दूसरी जगह कोसों दूर तक पलक झपकते ही पहुंच सकते हैं। पर एक बार कुछ ऐसा हुआ कि गरुण पक्षी की आंखों में आंसू आ गए। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार गरुण पक्षी और सुदर्शन चक्र के बीच में श्रेष्ठता को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। गरुण देव बोले, मैं सबसे तेज उड़ने वाला हूँ, मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता, इसीलिए भगवान विष्णु ने मुझे अपना वाहन बनाया है। मैं अपने विशाल काय शरीर और बड़े बड़े पंखों से कोसों की दूरी पलक झपकते ही तय कर सकता हूँ। तुम मुझसे श्रेष्ठ नहीं हो सकते हो, तुमसे शक्तिशाली तो मैं हूँ। मैं भगवान विष्णु का शस्त्र हूँ, उनकी आज्ञा से मैंने युद्ध में अनेकों राक्षसों का संहार किया है। यही नहीं, मैंने एक बार इंद्रदेव के वज्र को भी निष्क्रिय कर दिया था। बस इतना ही, पर मेरी शक्तियों के बारे में जब आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। मैंने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को बचाया था। जब एक बार प्रभु श्री राम और लक्ष्मण रावण के पुत्र मेघनाद से युद्ध के दौरान नागपाश में बंध गए थे, तब मैंने ही उनके प्राण बचाए थे। देव नर किन्नर किसी में भी इतना सामर्थ्य नहीं था कि वो प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त कर सके। गरुण देव और सुदर्शन चक्र में बहस का सिलसिला चलता रहा, पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला। एक दिन भगवान श्री कृष्ण द्वारका नगरी में पत्नी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। गरुण देव और सुदर्शन चक्र भी उनकी सेवा में वहीं विराजमान थे। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने व्यंग करते हुए भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, त्रेता युग में आपने भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया था, तब सीता आपकी पत्नी थी, क्या वे मुझसे अधिक सुंदर थी? देवी सत्यभामा, मैं जानता हूँ आप मुझे चुटकी देने का मौका ढूंढती रहती हैं, जबकि आप सर्व सत्य जानती हैं। आप भी तो त्रेता युग में मेरे साथ थीं। आपकी सुंदरता तब भी मुझे अति प्रिय थी और आज भी अति प्रिय है। प्रभु, मेरा भी एक प्रश्न है, क्या दुनिया में मेरे समान तेज गति से कोई दौड़ सकता है? इसी बीच सुदर्शन चक्र से भी नहीं रहा गया और वो बोले, भगवान, मैंने बड़े बड़े असुरों का संहार किया है और आपको युद्ध में जीत दिलाई है, क्या मुझसे भी शक्तिशाली संसार में कोई है? लगता है इन दोनों में अभिमान आ गया है, पर इन दोनों का अहंकार कैसे दूर किया जा सकता है, ये मुझे सोचना होगा। हाँ, ये उचित रहेगा, मुझे पता है इन दोनों का अहंकार कैसे नष्ट किया जा सकता है। हे गरुड़, तुम हनुमान के पास जाओ और उन्हें कहना भगवान श्री राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो आज्ञा प्रभु, मैं अभी हनुमान जी को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होता हूँ। हे सुदर्शन चक्र, तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और याद रहे मेरी आज्ञा के बिना कोई भी भीतर न आने पाए। जो आज्ञा भगवान। श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर गरुण देव हनुमान जी को लेने चले गए और सुदर्शन चक्र महल के प्रवेश द्वार पर पहरा देने के लिए तैनात हो गए। सुदर्शन चक्र ने किसी को भी भगवान श्री कृष्ण से मिलने की आज्ञा नहीं दी। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं प्रभु श्री राम का रूप बना लिया और रानी सत्यभामा को सीता के रूप में तैयार होने के लिए कहा। गरुण देव हनुमान जी को लेने पहुंचते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम और सीता द्वारका नगरी में पधारे हैं और आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने मुझे आपको बुलाकर लाने की आज्ञा दी है, अतः आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही वहाँ पहुँचा दूंगा। वैसे भी आप बूढ़े हो गए हो तो अति शीघ्र वहाँ नहीं पहुँच पाओगे। बंधु, आप चलिए, मैं आता हूँ। पता नहीं ये इतनी वृद्धावस्था में है, न जाने कब तक द्वारका पहुँचेंगे। वैसे मुझे क्या लेना, मैंने तो अपना काम कर दिया, अब बाकी खुद जाने। मैं भगवान के पास जाता हूँ और उन्हें बता दूंगा कि मैंने उनका संदेश वानर श्रेष्ठ को पहुंचा दिया है। गरुण अपना संदेश हनुमान जी को देकर आराम से द्वारका नगरी को उड़ चले, किंतु जब वो द्वारका नगरी के महल में पहुंचे तो वो आश्चर्यचकित रह गए। हनुमान जी तो भगवान के समक्ष पहले से ही बैठे हुए थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। ये देखकर गरुण देव का सिर लज्जा से झुक गया। मैंने बजरंग बली की श्रेष्ठता पर संदेह किया, हे प्रभु, मैंने अहंकार के वशीभूत होकर ये क्या कर दिया। पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे आए, क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं? हनुमान जी ने भगवान राम को नमन करके अपना मुंह खोला और सुदर्शन चक्र को अपने मुख से बाहर निकाल दिया।
हे प्रभु, आपसे मिलने से मुझे कोई नहीं रोक सकता है। इस चक्र ने मुझे रोकने का कुछ प्रयास किया था। हे वानर श्रेष्ठ, आप महल के भीतर नहीं जा सकते। प्रभु की आज्ञा है कि किसी को भी उनकी आज्ञा के बिना महल में नहीं जाने दिया जाए। मुझे प्रभु श्री राम से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। सामने से हट जाओ। हे वानर श्रेष्ठ, ऐसा साहस कदापि ना करो। तुम शायद मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं सुदर्शन चक्र हूँ। मैंने बड़े बड़े अनेकों राक्षसों का वध किया है। मेरी आपसे विनती है कि मुझे प्रभु श्री राम से मिलने दिया जाए। नहीं, तुम इस महल में मेरे होते हुए प्रवेश नहीं कर सकते हो। भलाई इसी में है कि तुम ये जिद छोड़ दो। हनुमान जी सुदर्शन चक्र की बात नहीं मानते और वे महल की ओर बढ़ते हैं। सुदर्शन चक्र हनुमान जी को रोकने के लिए आगे बढ़ता है। सुदर्शन चक्र और हनुमान जी के बीच युद्ध होने लगता है। सुदर्शन चक्र हनुमान जी से कहता है, हे वानर श्रेष्ठ, अभी भी वक्त है, लौट जाओ। तुम अपने कदम पीछे हटा लो। तुम व्यर्थ ही अपना समय नष्ट कर रहे हो। मुझे शीघ्र ही प्रभु श्री राम और माता सीता के दर्शन करने हैं। मुझे उनके पास पहुंचना है। वो मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तभी हनुमान जी ने अपना मुंह खोल दिया और सुदर्शन चक्र उसमें समा गया। हनुमान जी ने अपना मुंह बंद कर लिया। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था प्रभु, इसीलिए सुदर्शन चक्र को मुंह में रखकर मैं आपसे मिलने आ गया। मुझे माफ कर दीजिए प्रभु। हे प्रभु, आपको तो मैं कृष्ण रूप में भी पहचानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि आप ही मेरे प्रभु श्री राम हैं। आज आपका ये लीला रचाने का कारण क्या है? जब भक्त अपनी शक्तियों का अहंकार करने लगे तो उन्हें सही राह दिखाने के लिए ऐसी लीला रचनी ही पड़ती है। गरुण और सुदर्शन चक्र की आंखों से आंसू बह गए और वो भगवान के चरणों में झुक गए। प्रभु की लीला अपरंपार है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी के बारे में हम में से कौन नहीं जानता। ये तो पूरी दुनिया जानती है कि कैसे पवन पुत्र हनुमान ने राम जी का आशीर्वाद लेकर लंका को आग का गोला बना दिया और रावण वध में भी प्रभु श्री राम का साथ दिया। लेकिन ये कहानी कुछ हटकर है। ये कहानी है उन बैरागी और महाबलशाली हनुमान जी के बचपन की। ये कहानी है उस नटखट अंजनी और केसरी के पुत्र की, जिसे बचपन में उसके माता पिता मारुति बुलाते थे। किष्किंधा के जंगलों में पले बढ़े मारुति बचपन से ही बहुत नटखट और शरारती थे। वो कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। मारुति का भी यही हाल था। बचपन से ही मारुति की शक्तियां अपने करतब दिखाने लगी थी। कि ऐसे ही एक बार किष्किंधा के जंगलों में बिन बुलाया मेहमान पता नहीं कहां से आ गया था, जो कि था एक अदृश्य पिशाच। इस अदृश्य पिशाच ने तो जैसे किष्किंधा में आते ही अफरा तफरी ही मचा दी थी। जिस रात ये किष्किंधा में आया, उसी रात इसने किष्किंधा राज्य के सारे वानरों के घरों में आग लगा दी। सारे वानर डरे सहमे मारुति के पिता केसरी के पास पहुंचे। प्रभु, हमारी रक्षा करें। प्रभु, हमारी रक्षा करें। अरे अरे, शांत हो जाओ। पहले ये तो बताओ कि तुम्हारी रक्षा किससे की जाए। ये तो नहीं पता प्रभु। ये कैसा मजाक है? तुम लोगों को ये नहीं पता कि तुम लोगों को हानि कौन पहुंचा रहा है? हमारी बात तो सुने प्रभु। वो मशालें अपने आप हवा में उड़कर हम सबके घरों में आग लगा रही थी। शत्रु तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। हम सभी किसे पकड़ते? केसरी ये सुनकर कुछ सोच विचार में पड़ गए। ये हमें किसी मायावी राक्षस का काम लगता है। सैनिकों, आज रात से ही किष्किंधा के घरों में भी पहरा दिया जाए। जरा देखें तो कौन मूर्ख अपने काल को निमंत्रण दे रहा है। जी प्रभु। ये कहकर वाला सैनिक रात में ही किष्किंधा में पहरा देने लगे और उन्होंने सभी घरों की आग भी बुझा दी। उस रात फिर कोई अशुभ घटना नहीं हुई। केसरी ने घर जाकर जब अपनी पत्नी अंजनी को इस बारे में बताया तो वह भी कुछ सोच विचार में पड़ गई। अरे अंजलि, तुम क्यों परेशान होती हो? चिंता मत करो, मैंने पूरे किष्किंधा में सैनिकों को तैनात कर दिया है। कुछ भी हलचल उस राक्षस की दिखी तो उसे काल के पास पहुंचा दिया जाएगा। स्वामी, मैं उस बारे में नहीं बल्कि ये सोच रही हूँ कि कहीं वो मायावी राक्षस की जगह कहीं अदृश्य पिशाच तो नहीं। अदृश्य पिशाच? हाँ स्वामी, अदृश्य पिशाच। मेरी माँ ने मुझे इस बारे में बताया था। ये पिशाच तभी आती है जब इसे किसी राज्य में सुख शांति दिखती है। आपके राज्य में सभी खुशी और सुख शांति से रह रहे हैं। शायद
इसीलिए वो अदृश्य पिशाच एक बार फिर प्रकट हो गई है। अगर तुम्हारी बात सच है अंजनी, तो हमें संभल कर रहना होगा, वो पिशाच हम सभी पर दोबारा से आक्रमण करेगी। ये कहकर केसरी तुरंत अपने सैनिकों के पास चले गए। वही पास खड़े बालक मारुति अपने माता पिता की सारी बातें सुन रहे थे। आज तक उन्होंने अपने पिता को इतना परेशान नहीं देखा था। मन ही मन उस नादान मारुति ने निश्चय कर लिया कि अब तो उस अदृश्य पिशाच का सफाया करके ही रहेगा। अगली रात अदृश्य पिशाच ने किष्किंधा वासियों पर फिर हमला किया, लेकिन अब की बार केसरी और उनकी सेना इस पिशाच का सामना करने के लिए तैयार थे। जब अदृश्य पिशाच ने हमला करना शुरू किया तो केसरी के सैनिक भौचक्के रह गए, क्योंकि शत्रु को तो वो तब मारते ना जब वो दिखती, लेकिन यहाँ तो शत्रु का कुछ अता पता ही नहीं था। हमले कहाँ से, किस दिशा से हो रहे थे, केसरी की सेना को कुछ पता ही नहीं चल रहा था। आवेश में आकर केसरी ने उस अदृश्य पिशाच को ललकारा। अरे ओ कायर पिशाच, क्यों माया की आड़ में छुपकर वानरों पर हमला कर रही हो? अगर सामर्थ्य है तो सामने आ और हमसे लड़। केसरी के ये कहते ही जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। अचानक चारों ओर से एक आवाज गूंजी। अरे मूर्ख केसरी, तुझे क्या लगा तेरे उकसाने से मैं बहकावे में आ जाऊंगा? तेरे सामने आकर मुझे अपने काल को थोड़ी निमंत्रण देना है, लेकिन तेरे राज्य उसे तो मैं पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। उस पिशाच की ऐसी बातें सुनकर केसरी ने बहुत जोर की दहाड़ मारी और चारों ओर अपनी गदा घुमाई। केसरी के इस बर्ताव से क्रोधित होकर उस अदृश्य पिशाच ने आग का गोला केसरी की ओर फेंक दिया। उस आग के गोले के लगने से केसरी घायल हो गए और मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए। चारों ओर से आने वाली उस अदृश्य पिशाच की हंसने की आवाज धीरे धीरे धीमी हो गई थी और घरों पर हमले भी बंद हो गए थे। ये सब होते ही केसरी के सैनिक केसरी को तुरंत अंजनी के पास ले गए। केसरी के घर पहुंचने पर अंजनी उन्हें यूं घायल देखकर बहुत डर गई, लेकिन फिर उन्होंने अपने आप को संभाला और जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने चली गई। कुछ ही देर में जड़ी बूटी लाकर उन्होंने केसरी के ऊपर उसके लेप को लगाया। जल्द ही केसरी ठीक हो गए और सुबह तक उन्हें होश आ गया, लेकिन वो उठ नहीं पा रहे थे। अंजनी, अंजनी। हाँ स्वामी, स्वयं को कष्ट ना दे, मैं यहाँ हूं ना। देखिए ना क्या हाल कर लिया है आपने अपना। मैंने कहा था ना उस पिशाच से बचकर रहिएगा, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। अंजनी, मैं मेरी प्रजा का रक्षक हूँ, ये घाव तो मेरे लिए सम्मान है। अपने पिता की ये हालत देख मारुति से रहा न गया। फिर उसने उस अदृश्य पिशाच को खत्म करने की तरकीब ढूंढना शुरू कर दिया। तभी उसे जंगल में दूर एक साधु तपस्या करते हुए मिले। मारुति उनके पास उड़कर गए और साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनके चरणों में अपना शीश झुकाया और कहा, हे महात्मा, मेरे गांव पर किसी अदृश्य पिशाच ने आक्रमण कर दिया है और उसने मेरे पिता को भी घायल कर दिया है। क्या आप जानते हैं कि उस अदृश्य पिशाच को कैसे समाप्त किया जा सकता है? बालक, उस अदृश्य पिशाच को केवल वही खत्म कर सकता है जिसका मन समुद्र की तरह गहरा हो और शांत हो। वो अदृश्य पिशाच है, उसे आंखों की सीमा में मत बांधो। जब शांत मन की डोर से उसे पकड़ोगे तो वो स्वयं ही राख हो जाएगा। मारुति को यह बात कुछ खास समझ नहीं आई, लेकिन वो साधु को प्रणाम करके वापस किष्किंधा लौट आए। अपने पिता की अनुपस्थिति में मारुति ही था जिसके ऊपर किष्किंधा के वानरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आ गई थी। उस रात मारुति किष्किंधा के सैनिकों के साथ वानरों के घरों की सुरक्षा कर रहा था। अचानक उस अदृश्य पिशाच ने फिर से गांव पर हमले करना शुरू कर दिया। चारों तरफ आग ही आग थी। जब मारुति ने उस अदृश्य पिशाच पर हमला करने की कोशिश की तो क्रोधित होकर उस पिशाच ने मारुति पर भी आग का गोला दे मारा, लेकिन मारुति जल्दी से उड़कर उस आग के गोले से बच गया। तभी मारुति को उन साधु महात्मा की बात याद आई और वो वहीं हाथ जोड़कर ध्यान लगाकर बैठ गए। मारुति को यूं ध्यान लगाता देखकर पिशाच हंसने लगा। ऐसे हराएगा क्या मुझे ये बालक? लेकिन मारुति अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिला। तभी उस अदृश्य पिशाच ने फिर से एक आग का गोला मारुति की ओर फेंका। वो आग का गोला मारुति पर लगने ही वाला था कि तभी
मारुति के अंदर से प्रकाश से भरी दो रस्सियां निकली और उस आग के गोले को नष्ट करते हुए उन दोनों रस्सियों ने उस अदृश्य पिशाच को जकड़ लिया। रस्सियों द्वारा जकड़े जाते ही वो अदृश्य पिशाच लोगों को देखने लगा। असंभव, ये नहीं हो सकता। मुझे तो अदृश्य होने का वरदान प्राप्त था। ए बालक, तूने ऐसा कैसे किया? अहंकार में चूर होने के बाद वरदान भी श्राप में बदल जाता है। तेरी अंतरात्मा दूषित हो गई थी, इसीलिए पवित्र और शांत अंतरात्मा ही तेरे इस वरदान का नाश कर सकती थी। तो अब आया समझ में? मारुति ने उस पिशाच को अपनी गदा से वहीं भस्म कर दिया। वहां मौजूद सभी किष्किंधा के वानरों और सैनिकों ने मारुति की जय जयकार करना शुरू कर दी। इस बारे में जब केसरी को पता चला तो उन्होंने मारुति को हृदय से लगा लिया और उन्हें अपने पुत्र पर बहुत गर्व हुआ। तो ऐसे थे हमारे महाबली हनुमान, जिनका मन और अंतरात्मा समुद्र की तरह शांत थे, लेकिन उनकी बुद्धि और उनका बल वायु से भी तेज।